खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के एमएलए को सेक्स टॉर्शन में फंसाकर 80 लाखों की रकम, नगर पुलिस के सहयोग से 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। वहीं नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में हुई कठुमर के युवक की गिरफ्तारी। बहरोड के मिस्त्री हत्याकांड में 3 इनामी बदमाशों को दबोचा, भिवाड़ी स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। सोमवती अमावस्या और श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, वहीं महिलाओं ने जल चढ़ाकर रखा व्रत। वहीं मंगलवार को महाशिव पुराण कथा का होगा समापन। और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश सरकार को घेरेगी भाजपा, 1 अगस्त तक होंगे अनेक कार्यक्रम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। तमिलनाडु के एक विधायक को सोशल मीडिया के जरिए सेक्स टॉर्शन में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। नगर क्षेत्र से पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। जानकारी के अनुसार विधायक सरवन कुमार से लड़की बनकर वीडियो कॉल के जरिए चिकनी चुपड़ी बातें की, इसके बाद न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रकम ऐंठ ली गई। विधायक ने तमिलनाडु में साइबर थाने पर इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहां की पुलिस इंस्पेक्टर इन नाइकी ने अपनी टीम के साथ यहां पहुंचकर नगर पुलिस के साथ दबिश की कार्रवाई की। पुलिस ने गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के आरोपी अरशद को नगर कस्बे से पकड़ा है। वह कमीशन लेकर एटीएम से ठगी गई रकम निकालता था। इसके अलावा 2 नाबालिग भी निरुद्ध किए गए हैं। नगर थाना अधिकारी हरलाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। और वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को पकड़ा है। एसएचओ जहीर अब्बास ने बताया कि गत 1 अप्रैल को इस थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि एक युवक उसके अश्लील वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है। इसके बाद पुलिस ने जांच की और पोक्सो और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कठुमर क्षेत्र के आरोपी देवराज को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पीड़िता ने दर्ज कराया है थाना अरावली विहार पे कि उसको एक लड़का है बोलो वो परेशान करता है और उससे एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, उसके अश्लील वीडियो बनाकर और अलग अलग फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसको उस पर अपलोड कर रहा है। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के बाद पोक्सो एक्ट में और आईटी एक्ट के सेक्शंस में आरोपी देवराज है, सौंख कठुमर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भैरोड में मिस्त्री की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी पुलिस स्पेशल टीम ने इस मामले में 7 साल से फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। टीम प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि 30 जुलाई 2016 को गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले दिलशाद पठान ने मामला दर्ज करवाया। उसके बड़े भाई शाहनवाज बहरोड में गाड़ियों का काम करते थे, लेकिन दुकान के सामने ही उनकी लाश पाई गई थी और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस ने इस प्रकरण की जांच की और फरीदाबाद क्षेत्र के दीपक गुर्जर, नवीन और राजकुमार को चिन्हित किया था। सोमवार को जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल सुधीर को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तावड़ू हरियाणा से 3 बदमाशों को धर दबोचा, साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए बहरोड पुलिस के हवाले कर दिया है। सावन मास के दूसरे सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस्या मनाई गई। वहीं सावन के सोमवार के उपलक्ष्य में मनुमार्ग स्थित मंदिर में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर शिव जी को जल चढ़ाया और व्रत रखा। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इसे हरियाली अमावस भी कहा जाता है। इस दिन सनातन दृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसके अलावा पितरों के लिए तर्पण और दान पुण्य भी किया जा रहा है। श्रावण शुक्र कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या के नाम से हम जाने जाते हैं, पर आज तो एक और भी सोमवार भी पड़ गया और श्रावण का दिन है सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या। एक बहुत बड़ा दुर्लभ योग बनता है। जब आपने देखा हो तो सनातन की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी, तो हमारे अगर आपने देखा हो तो मोर एक पक्षी है
और आप जानते भी हैं, जब ये श्रावण के महीने में जब मेघ बलहार की जब बारिश होती है तो उसके जो वो जो चंदूले हैं वो भीग जाते हैं, और उस समय जब वो नाचता है तो एक इंद्रधनुष, आज तो कुछ समय पहले नहीं देखा होगा, पहले इंद्रधनुष बनता था, उसमें तीन रंग होते थे, तभी से इस मेघ मल्हार जब भगवान जो है सुरद्री जी ने मेघ मल्हार की जब गर्जना की तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए थे और इंद्र बारिश हुई थी। अब तो थोड़ा समय में इंद्रदेवता क्यों कुपित हो रहे हैं, नहीं तो श्रावण का महीने में तो इंद्रदेव निश्चित रूप से इस भारत की धरती पर पूरी कृपा करते थे। तभी से ये सतयुग के टाइम से अमावस्या, हरियाली अमावस्या का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो आज मंदिर में सुबह प्रातःकाल से महिलाएं हरियाली अमावस्या का उत्सव मना रही है, 108 परिक्रमा दे रही है और भगवान शंकर की पूजा कर रही है। और ये तो एक सोमोती अमावस्या, श्रावण का महीना, अमावस्या और सोमवार, ये पढ़ना आज भगवान के मंदिर में आप सब लोग श्रद्धा, भगवान का रुद्राभिषेक किया, भगवान विष्णु का श्रृंगार किया और परिक्रमा करके ये हरियाली उत्सव का मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उत्सव को सम्पन्न किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के विजयनगर मैदान में चल रही शिव महापुराण कथा का मंगलवार को समापन किया जाएगा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजन होगा, वहीं इसी दिन कथा का समापन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें भगवान शिव और हरि दोनों की भक्ति की जाती है। उधर कथा का आयोजन सोमवार को भी जारी रहा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने यहाँ अनेक प्रसंग सुनाए। वहीं अलवर जिले के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर कथा सुनी। कल का कथा का समय है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखा गया है अलवर में। दोपहर में आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर आएगा 1 बजे से। इस पुरुषोत्तम मास बीच में आ रहा है, कल से प्रारंभ होगा। इस पुरुषोत्तम मास की महत्वता हमारे यहाँ तो सावन अर्थात पुरुषोत्तम मास नारायण के लिए है और सावन का महीना शिव जी के लिए। हरिहर मिलन का ये मास है जिसमें भगवान शिव की और भगवान हरि की दोनों की भक्ति होगी और आप बड़े प्रेम से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं अलवर के विजयनगर मैदान में महाशिव पुराण कथा स्थल पर नेक कमाई समूह की ओर से श्रद्धालुओं को अल्पाहार वितरित किया गया। इसके अलावा कपड़े से बने मानस थैले प्रदान किए गए। समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के नेतृत्व में टीम ने यह कदम उठाया। इसमें डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट, खांचन चिमनी बाई ट्रस्ट, खंडेलवाल महिला मंडल संस्था और मानस ब्रांड ग्रुप का सहयोग रहा। महसूस हो रहा है, ये हमारा लोअर का सौभाग्य है कि इतने जो भक्त लोग आए हैं उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। संस्थाएँ जुड़ी हुई है, बाकी जनरल पब्लिक भी और स्कूटर से हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, जो कि कभी केले ला रहा है, कुछ बिस्किट दे रहे हैं। हमारे यहाँ चाय, बिस्किट, लड्डू और आपका क्या नाम है, कचौरी, थैले, सारी चीज़ें, थैले वगैरह भी दे रहे हैं आप? थैले भी बांट रहे हैं, उनके पास सामान ज़्यादा हो जाता है इसलिए बड़े बैग भी दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी चल रही है और भक्तों का बड़ा एक अच्छा आनंद और उत्साह है भक्तों में। वो कह रहे हैं अलवर से व्यवस्था नहीं देगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि भगवान और धर्म किसी पार्टी के कॉपीराइट नहीं है। कांग्रेस सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है और सर्वधर्म संभाव में यकीन रखती है। दूसरी ओर भाजपा हिंदू धर्म को खुद का बताने की बयानबाजी करती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि धर्म के स्थान पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह शहर के विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा स्थल पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो ये निवेदन ये करना चाहूँगा कि आज हम सब धार्मिक कार्यक्रम में आए हैं। सबसे पहले तो हम कृष्णा जी के जो हमारे महाराज जी हैं उनका मैं अलवर में स्वागत करता हूँ, हरि की तपोभूमि में स्वागत करता हूँ। और इस कथा से आप देख रहे हैं हजारों लाखों लोगों को पूछी है या आ रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और आज के ज़माने में जहाँ एक तरह से कलयुग आ रहा है, इसकी वजह से कथा सुनने के लिए आप इतनी बड़ी भीड़ आई है। और जहाँ तक देखिए ऐसे कार्यक्रमों के अंदर किसी भी नेता को, किसी भी कोई भी व्यक्ति को ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे भी आज बोला गया कि आप रोष रखें, लेकिन मैंने निवेदन कर दिया, हाथ जोड़ के मैंने उनसे आग्रह करा कि मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के अंदर कोई राजनीतिक मंच नहीं है।
एक प्रचार चलता है कि क्या हिंदू में नहीं है, क्या हिंदू हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लोग नहीं है, क्या हम पूजा नहीं करते हैं, क्या तो किसी का भगवान किसी की कॉपी राइट नहीं, सब ओके है। और भगवान को कांग्रेस बीजेपी एसपी बीएसपी के अंदर बांटने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस तरह का नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भगवान को तो कब तक राजनीतिक पार्टियों से अपन दूर। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और उधर भाजपा की राजस्थान इकाई द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन शुरू कर दिया गया है। सोमवार को अलवर में अम्बेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष सरवन सिंह बागड़ी एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि अपराधों और भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर वन है, साथ ही पेपर लीक एवं आरपीएससी के मामले भी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, साथ ही महिलाओं और दलितों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 16 जुलाई से 1 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं अगस्त को जयपुर में महाघेराव होगा। वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सहयोग किया, जिस प्रकार से लोगों का समूह या माननीय नड्डा जी की उपस्थिति में सबने एक प्रतिज्ञा की कि अब जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पिछले अगर 4.5 साल की मैं बात करूं तो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हत्या लूट डकैती और क्राइम जिस चरम पे है, उनको सभी विषय को लेते हुए यह तय किया कि आम जनता जिस प्रकार से परेशान है, आप देखिए भ्रष्टाचार के आप खुले आम आप सब लोग मीडिया के यहाँ बंधु विराजमान है, आप ही के माध्यम से आप जो विषय उठाते हो और जनता के बीच में जब ये जाते हैं सरकारी ऑफिसों के अंदर किस प्रकार से करोड़ों रुपए मिलते हैं, अलमारियों में सोना मिल रहा है, ये शायद आज से पहले कभी इस तरीके की घटना शायद नहीं घटी थी। 7,500 करीब निर्दोष नागरिकों की हत्या, 5 साल में महिलाओं पर 1,95,000 से भी ज्यादा अपराध की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे, गैंगवार, इस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर त्राहिमाम त्रिमाम जो हो रहा है, लेकिन ये डूंगी बहरी सरकार इस विषय को कहीं भी नहीं देखती है। मशाल जुलूस भी निकाले जाएंगे, उस तो अभियान भी चलेगा, मोटरसाइकिल रैली भी चलेगी, हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा और युवाओं का पेपर लीक का मसला है उसको भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। युवा बेरोजगार हैं वो मुद्दा भी जोड़ा जाएगा। सरकार की पूरी विफलताओं के लिए जनता में जाकर के सरकार की सारी विफलताओं को बताया जाएगा, जिससे कि जनता को ये मालूम हो कि कांग्रेस सरकार हर वर्ग में पूरी तरह विफल है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। बेटी को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, नीविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स के स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांड जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान।
तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में, तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टेक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद, इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में प्रताप बंद के पास रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वहीं सांप के काटने से उसकी मृत्यु की आशंका है। मृतक जयसिंह की आयु 36 साल थी। उसकी पड़ोसी कमला बानो ने बताया कि रविवार देर रात करीब 11 बजे के आसपास जयसिंह की चिल्लाने की आवाज आई कि उसे कोई काट गया है। जब कमला बानो ने जाकर देखा तो जयसिंह ने शराब पी रखी थी और उसके हाथ पर किसी के काटने का निशान था, साथ ही हरे झाग आ रहे थे। इसके बाद जयसिंह को तड़के करीब 4 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बच्चे और पत्नी दिल्ली में रहते हैं। 5 साल पहले वह बीवी बच्चों को छोड़कर अलवर आ गया था और मजदूरी करता था। तो यह अजय सिंह भाई मेरे पड़ोसी है, यानी मेरे को रात को 2:30 बजे आवाज लगाई, बोलो बहन उरा को आयो, मेरे को काई खा गया हाथ में से। मैं बैटरी लेके गई तो मैंने देखो वहाँ पे वो बहन मेरे को यहाँ सुखायो हाथ में यहाँ सुखायो। मैंने जाके देखी तो मुझे कछु भी ना पाया, मैंने सारा जगह दूध जरा पपेट गिराया, सारा कपड़ा बिस्तर पपेट गिराया, कछु ना मेरे, और उल्टी हरी उल्टी कर रखी यानी, और फिर पौ को वहाँ पर पड़ो डाल पौ को भी पड़ो, और मैंने भैया खाना खाओ कि ना खाओ खाओ बोलो, फिर पी के आयो ना कि हाँ दो पौ पी के आयो। गर्म मेरे को तो घबराहट लग रो, जी घबरा रो मेरे, फिर मैंने चल मैं तेरे को हॉस्पिटल ले चलूँ, आप हमको फ़ोन कर दो ना आए गिरा मेरे को मत ले चले, मैं सुबह ही चलूँगा। फिर यानी कि बोलो मेरे पानी दे दे, फिर या कि मटकी में से मैंने पानी पिला दो या को वहीं की बोतल में से, फिर यानी मुझसे कही बोलो भैन मेरे ज़्यादा तबीयत खराब हो रही। फिर मैंने यहाँ से कही बोलो बन कि भाई मैं आप हमको फ़ोन कर दूँ को ले चले वो। फिर हम यहाँ 4:30-5 बजे हॉस्पिटल ले आया, हॉस्पिटल ले कर इमरजेंसी में सर ने देखो, देख के नहीं उन्हें एडमिट कर दियो, एडमिट करने के बाद में ट्रीटमेंट लगा दिया, उसके बाद में खूब सही हो गो, आँख टूटी मार लगो, बोलन लगो, फिर सो गो, सोने के बाद में आपको कोई होश नहीं, डेथ हो गई नहीं इसकी, डेथ हो गई। हाँ, इसका मुंह से हरा हरा झाग निकल रहा। अच्छा, जो उल्टी कर रहा कि जाके देखे तो उल्टी भी हरी हरी। अच्छा, कोई हाथ वात में निशान था? कुछ भी ना हो, बस हड़कों से निशान यहाँ पे, उल्टे हाथ में, उल्टा हाथ में हड़कों से निशान, जैसे कोई मच्छर वगैरह खा जाए। आपको क्या लगता है कोई सांप आपने खाया क्या किसने, या कोई जहर कोई सांप ने खाया, जहर वगैरह लेकिन कुछ तो इसने नशा कर रखा था, पी रखी थी और कुछ जहर आएगा नशा था उसमें, इसको पता नहीं चला। तो हम तो पड़ोसी के नाते लेके आया। नाम क्या है इनका? इनका नाम जयसिंह। परिवार इसके 4-3 बच्चे, एक वाइफ है, वो दिल्ली रहते हैं, उनको छोड़ के 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ रह रहे। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आरएसएस पर दिए गए बयान की आलोचना की है। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार कांग्रेस के 4 पीढ़ियों के नेता आरएसएस को समाप्त करने की बजाय स्वयं ही समाप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार की हालत खराब है और वह घबराहट में इस तरह के बयान दे रही है जिससे जनता का ध्यान बटाया जा सके। पंडित धर्मवीर शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर की इस टिप्पणी को सही बताया कि
बयानबाजी करने की बजाय आगामी विधानसभा चुनाव में हिसाब बराबर किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नाम गोविंद है, कोई राक्षसी नाम होता वो भी ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन कह दी क्योंकि उनके संस्कार मानवोचित नहीं है, देवोचित नहीं है, आसुरी युक्त संस्कार है। जो संघ को समझता नहीं वो संघ के बारे में टिप्पणी करे तो उसको उसकी नालायकी नहीं, उसका बचपना कहना चाहिए। कांग्रेस की चार पीढ़ी चली गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नुकसान करने की कल्पना लेकर धरती पर ही नहीं है। गोविंद सिंह क्या बेचते हैं, क्या कांग्रेस बेचती है, और क्या ये विदेशी मूल के जिनका डीएनए ही स्वदेशी नहीं है वो क्या बेचते हैं? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भाका नहीं हो सकता आरएसएस का, और ये बोलने वालों को पता ही नहीं है कि ये बिल की चीज ही नहीं है, ये तो खुले जंगल में मानवता के संसार में विचरण करने वाला ये शेर है, सिंह है। और सिंह भी जिसको बोलते हैं कि डबल ताकत वाला शेर है, ये संघ को ये समझते नहीं। दया भी आती है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, इनके संस्कार ही नहीं है बचपन से, आगे पीछे से गीले हो रहे हैं, घबरा ही घबरा नहीं रहे, आगे पीछे से गीले हो रहे हैं। और वो अकेले गीले नहीं हो रहे हैं, उनके माई बाप भी गीले हो रहे हैं, सबकी हालत खराब है, क्योंकि जनता देश के बारे में सोचती है। परशुराम जी ने ये कहा है कि जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, नालायक हैं, उनको मैं शाप से भी मारूंगा और शस्त्र से भी मारूंगा, शापादपि शरादपि। परशुराम जी की इस लाइन पर मैं कहना चाहता हूं कि जो राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में मारेंगे, क्षेत्र में तो मारेंगे ही, वो तो हमारा शस्त्र से मारना हुआ, वो तो चुनाव के मैदान में मारना हुआ, लेकिन हम शाप से भी मारेंगे, हम जनता की भावना से भी मारेंगे, हम जनता की भावना को जगाएंगे नहीं, जगी हुई है, वो इन बातों से खुद ही मरेंगे। शहीद भगत सिंह सेना के सदस्यों ने जेल चौराहे के समीप जरूरतमंद बच्चों को दूध, ब्रेड और बिस्किट के साथ ही दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं वितरित की। इनमें साबुन और टी शर्ट आदि शामिल है। संस्था अध्यक्ष मनमोहन सिंह के अनुसार यह नेक कार्यक्रम भविष्य में भी इसी तरह जन सहयोग से चलता रहेगा। संस्था ने आम जन से भी बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री देने की अपील की है। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर जिले के प्रतियोगियों ने 4 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसका आयोजन 15 और 16 जुलाई को बांदीकुई में हुआ था। विभिन्न भार वर्गों में विष्णु जादौन, सचिन यादव और योगेश यादव ने सिल्वर मेडल जीता है। जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने बताया कि महिलाओं में प्रियांशी राजपूत ने रजत और सोनम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं अलवर टीम के कोच आशीष जयमन और मैनेजर शहजाद खान थे। श्री अग्रसेन धर्माज चिकित्सालय एवं मेदांता हॉस्पिटल द्वारा आर्य नगर स्थित राम वाटिका के पास मेडिकल कैंप लगाया गया। सोमवार को आयोजित इस शिविर के संयोजक सुभाष अग्रवाल थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ईशान और डॉक्टर MR मजूमदार ने अपनी सेवाएं दी, साथ ही BP और शुगर की जाँच भी की गई। ये नया हॉस्पिटल बनाए हैं धर्माज चिकित्सालय, अग्रसेन धर्माज चिकित्सालय, तो इसको अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें हम लोग अभी महीने में 2-3 कैंप लगाने के उसमें हैं। एक हम 28 जून को लगा चुके हैं, एक आज लग रहा है, और हमारे यहाँ लैब भी खोल चुके हैं जिसमें सारी सुविधाएँ टेस्टिंग की बाजार से सस्ती रेट। ये डॉक्टर मेदांता के आए हैं, डॉक्टर मजूमदार जी हैं, ये हार्ट के हैं, और डॉक्टर बालियान साहब हैं वो ऑर्थो के हैं। करीब 100% पेशेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट और ऑर्थो में जो भी बीमारी हो। शहर के कर्मचारी कॉलोनी स्थित जीवन धारा ब्लड बैंक में सोमवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष रविंद्र जोशी और गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के जिलाध्यक्ष अरविंद जोशी के जन्मदिन पर यह आयोजन हुआ। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने रक्तवीरों की हौसला अफजाई की। यहाँ मौजूद राजेश जोशी ने बताया कि रक्तदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया। यह ब्लड डोनेशन का जो कैंप रखा गया है, अरविंद जोशी जो कि गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के जिलाध्यक्ष हैं, और रविंद्र जोशी जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके
जन्मदिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया। आज की युवा पीढ़ी में जो इस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, उससे ये लगता है कि वापस हमारा सनातन धर्म की ओर हमारे युवाओं का झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और पाश्चात्य संस्कृति से जो कि दूर होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। अलवर शहर के वार्ड 8 में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। स्थानीय निवासी रामबाबू शर्मा और सुनीता शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। इसके अलावा बरसात में पानी सड़कों पर भरने से मच्छर पनप रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद भी इस ओर उदासीन बने हुए हैं। यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, गंदगी फैली हुई है, बारिश आती है नालों में से गंदगी निकल निकल के बाहर आ जाती है। बाकी यहाँ कोई व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है, जिससे कि बीमारियों के हालात बनने पड़े। इसकी शिकायत किसी कई बार कर दिया, पहले कोई ध्यान ही नहीं देता है। गंदगी फैली हुई है, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, ना तो मतलब कोई ना निकास है कि आगे कोई सफाई हो नाली की, तो आगे मलबा जाए, ना मलबा जा पा रहा, यही रुका पड़ा हुआ है। ये नाली की समस्या है, आज करीब मेरे साथ 7-8 साल हो गए हैं, बिल्कुल नालियों की सफाई नहीं होती है। ऊपर से हल्का सा कचरा काट, कभी कभी वो भी हल्का सा कचरा काट के चले जाते हैं। इस टाइम बिल्कुल लेवल में आया पड़ा है नाला, गहतियों से खुदेगा जब जाके सफाई होगी। हल्की सी बरसात होती है, पानी भर जाता है, गंदगी रोडों पर इतनी आ जाती है, मच्छर भेले होते हैं इसमें। पार्षद गया, पार्षद कैसे बार बोल दिया, हमारे भी पार्षद ओमी जी पार्षद बने थे, उनको शुरू से एंड तक दिखा के दिलाए क्या कंडीशन हो रही है। हम सोचे थे चलो आपकी बार सफाई हो जाएगी, हमारा आ गया आपकी बार, मगर ये भी ढीला सा है, हमारा पता ही नहीं चल रहा आपके, पता ही नहीं नगर परिषद में सरकारी किस तरह की है आपकी। सब खाना कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, सब अधर ही अधर जा रहे हैं, चारों मेर की गंदगी गंदगी हुई पड़ी है, पता ही नहीं चल रहे हैं। शहर में केडलगंज स्थित मदर टेरेसा होम में रहने वाले अनाथ बच्चों को सोमवार को उपहार एवं प्रसाद का वितरण किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष एवं जिला पार्षद सरिता राज जाटव ने इस तरह अपने जन्मदिन को सार्थक बनाया। साथ ही स्टेशन रोड स्थित गौशाला पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया। इसके अलावा 35वें जन्मदिन के उपलक्ष में 35 पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने सरिता राज का अभिनंदन किया। और आज मैं यहाँ अपना जन्मदिन मना रही हूँ, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये अनाथ हैं, तो हम थोड़ी सी खुशी इन्हें भी देंगे तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आज इन बच्चों के साथ अपनी खुशी दुगनी करने के लिए और इन्हें भी अपनी खुशी देने शामिल करने के लिए यहाँ पे अपना जन्मदिन मना रही हूँ। सब बच्चे हैं यहाँ पर, अनाथ बच्चे हैं, इनके साथ जन्मदिन मनाते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है और इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं इतना खुश है जो हम लोग भैया और दीदी लोग सब आया इधर हम लोग को मिलने के लिए, और हम लोग कैसे खुश है, हम लोग का वेलकम करते हैं और बच्चों लोग के नाम से सब पति बनाने के लिए। और शहर में परशुराम सर्किल के समीप स्थित नजर बगीची में सोमवार को राज्य पुरस्कार स्काउट प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ। 5 दिवसीय आवासीय शिविर में कठुमर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, तिजारा, कोटकासिम और अलवर के स्काउट भाग ले रहे हैं। स्काउट गाइड सीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि शिविर में सामुदायिक सेवा, आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड और मैपिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रतिभागी स्काउट राज्य पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चयनित स्काउट्स को 22 फरवरी को राज्यपाल द्वारा जयपुर में राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य मुख्यालय जयपुर के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राज्य पुरस्कार स्काउट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज 17 जुलाई से नजर बगीची पर किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय संघ कठुमर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, तिजारा और कोटकासिम अलवर स्थानीय संघ के स्काउट्स भाग लेंगे। इस शिविर के दौरान इन्हें राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो उनका पाठ्यक्रम है, जिसमें राज्य पुरस्कार से संबंधित सामुदायिक सेवा है कि हम कौन कौन सी सर्विस समाज के साथ कर सकते हैं, एम्बुलेंस बैज है, डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स है, पाइनियरिंग है, फर्स्ट एड है, मैपिंग है, आदि विषयों का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद बच्चे अपने ऑनलाइन राज्य पुरस्कार हेतु आवेदन करेंगे और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो राज्य मुख्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जो उनका राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप होगा उसमें सहभागिता करेंगे। राज्य पुरस्कार में पास होने के बाद प्रतिवर्ष 22 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय की अगुवाई में राज्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है जयपुर में, और उसके अंदर फिर जिले से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बच्चे रहेंगे वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे।
अलवर के होटल स्वरूप विलास पैलेस में सोमवार से 2 दिवसीय फैशन, इंटीरियर और ग्राफिक्स की प्रदर्शनी शुरू हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर वसुंधरा शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि अलवर के युवाओं ने इस क्षेत्र में शानदार डिजाइन बनाए हैं, साथ ही वर्तमान में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिससे युवाओं को समय रहते रोजगार मिल सके। उधर आयोजक NIFD डायरेक्टर गोल्डी गुप्ता ने बताया कि प्रदर्शनी में अलवर के युवाओं की प्रतिभा नजर आ रही है। वहीं प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर शिप्रा सिंघानिया ने इस क्षेत्र में हुए नवाचारों की जानकारी दी। यह प्रदर्शनी मंगलवार को भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। यहाँ पर हम लोग डिजाइन शोकेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, जो कि एनुअल पोर्टफोलियो होता है। तो फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइन के जो भी स्टूडेंट्स पूरे साल अपना वर्क करते हैं वो सब यहाँ पर एनुअल एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ने अलग अलग थीम पे काम किया है इंटीरियर्स फैशन में। ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स ने अपना ब्रांड किट प्रेजेंट किया है जिसमें कि हम लोग लोगों से लेके सारे जो जितने भी डिजिटल सॉल्यूशंस हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से ही हमारा एनुअल पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स का मोटिव रहता है कि स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लोग आएँ और स्टूडेंट्स का वर्क देखें। तो स्टूडेंट्स का वर्क यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ये 2 दिन का आयोजन है, 17 और 18 जुलाई 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, और ये सभी के लिए ओपन है। तो यहाँ पर मतलब सभी स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग यहाँ पर आके स्टूडेंट्स का वर्क विजिट कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे थ्री मेन कोर्सेज हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म 6 महीने से लेकर 3 ईयर्स तक के प्रोग्राम कराए जाते हैं, और सारे ही प्रोग्राम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कि सारे ही प्रोग्राम्स में हम इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं और सभी जॉब रेडी प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स 12th+ के बाद वाला कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, एज कोई बार नहीं है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है हमारे कोर्सेज के लिए। और सभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें मोस्टली 100% प्रैक्टिकल लर्निंग ही स्टूडेंट्स को दी जाती है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिलिसेट झील की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बरसात के दिनों में यह पुल हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं, साथ ही सिलिसेट जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खतरा बना हुआ है।
पुल का निर्माण कार्य कई वर्षों से अधूरा है, साथ ही पुल के पास मिट्टी का कटान होने के कारण यह कभी भी ढह सकता है। गौरतलब है कि यहां पर्यटकों का लगातार आना जाना लगा रहता है और भारी वाहन भी यहां आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस रोड को बनाने के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन कई वर्षों से यहां कार्य सुस्त रफ्तार से चल रहा है। ये एक रोड खराब है बिल्कुल, इसमें डर भी लगता है और कोई बाय चांस एक साइड में खड्डा है, यहाँ ना आप देख रहे हो, इसमें कोई साइड ले तो इसमें गिर भी सकता, कुछ भी गिर कर सही करवाए इसको। बड़ा आशा हो सकता है, बड़ा आशा हो गया, अभी तक पर तो बाइक वाले गिर गए यहाँ पे दो तीन। इनको हो गए करीबन एक साल, ये मतलब ऐसा ही पड़ा है, ना ये बनता है और ना ही करता है। दो ढाई महीने पहले यहाँ जेसीबी भी मतलब खड़ी रहती थी, कुछ खुदाई के दौरान काम भी चला था इसमें, और मतलब उसके बाद में ना कोई खुदाई चल रही है इसमें, ना कोई काम चल रहा, मतलब जो है जैसा का जैसा ही पड़ा है। ये रोड हैगा इसलिए शेड वाला। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ये जो खड्डा बना हुआ है ये बनता नहीं, हमने कई बार किया है, सरपंच को सुनता नहीं है। अब देखो ना, यहाँ खतरा बहुत है, गाड़ी निकलती है गिर भी सकती हैं, और मोटरसाइकिल भी निकल सकती है वो भी गिर सकती है, और यहाँ पे बच्चे भी आते हैं स्कूल से, उनको भी खतरा है। बरसात के समय मिट्टी उड़ रही, बरसात के समय में यहाँ पर मिट्टी उड़ती है, और यहाँ बहुत ही गहरा है, ये बहुत ही खतरे की चीज़ है। बड़ा आशा भी, हाँ बड़ा आशा भी हो सकता है सर, इसको बनाना चाहिए। हमने सरपंच को भी बहुत बोला, वो भी नहीं सुन रहा, एक साइड का बनाया उस पर छत नहीं गिरा, इधर खोद कर चला गया सर। अलवर के लोक देवता भर्तरी धाम में सोमवार को हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं अलवर जयपुर स्टेट हाईवे पर कई घंटे तक रास्ता रुका रहा। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने भर्तरी बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। भर्तरी मंदिर से तिराहे तक वाहनों की भीड़ रही और करीब 5 किलोमीटर तक कतार लग गई। ऐसे में अलवर जयपुर हाईवे पर भी जाम लग गया। अकबरपुर थाने से पुलिस ने पहुंचकर रास्ता खुलवाया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सावन का सोमवार होने के कारण नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर भी जमावड़ा लगा रहा। यहाँ बाबा के यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा जाम है, कम से कम 3 किलोमीटर जाम है। किसी की चैन टूट गई है, किसी का मंगलसूत्र टूट गया है, रकम पेली है, प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं यहाँ। अलवर जिले सहित मालाखेड़ा क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बचाने के उद्देश्य से LED बल्ब दिए जा रहे हैं। हर बिल पर 5 LED बल्ब न्यूनतम दरों पर दिए जा रहे हैं। कंपनी के प्रतिनिधि राजू शर्मा के अनुसार विद्युत उपभोक्ता बिजली का बिल लाकर मालाखेड़ा में इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद पंचायत मुख्यालयों पर भी LED बल्ब के वितरण की व्यवस्था की जाएगी। बिजली की खपत को कम करने के लिए IMS एक इंस्टा मार्केटिंग संस्था है, जो कस्टमरों को एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर 5 LED बल्ब प्रोवाइड करवा रही है। इसमें 3 अपने 12 वाट के बल्ब रहेंगे और 2 7 वाट के बल्ब दिए जा रहे हैं। इससे अपने के कुल मकसद ये है कि कस्टमरों के जो ICL होते हैं तो उस कार्बन को नष्ट करने के लिए अपन LED बल्ब का वितरण कर रहे हैं, जो कि और रास्ते में वितरित किए जाएंगे। इससे अपन की ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होगी और अपने जो पर्यावरण है वो भी संचित रहेगा, यानी उसकी भी सुरक्षा हो पाएगी। इसके लिए अपनी जो संस्था है वो संस्था पूरे सिक्वेस्ट कैपिटल और वो IMS संस्था के द्वारा चारों तरफ इस चीज़ को वितरित किया जा रहा है LED बल्ब को। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करने के लिए अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता दौरा कर रहे हैं। टिकट के दावेदार एडवोकेट देशराज खरेरा ने बहादुरपुर क्षेत्र सहित अन्य गांवों में पहुंचकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। साथ ही जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत की जानकारी दी। हरियाली और सोमवती अमावस्या पर सोमवार को मालाखेड़ा क्षेत्र में पौधरोपण किया गया। वहीं दिव्यांग जन कल्याण संस्थान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह के जन्मदिन पर सतीश चौधरी के नेतृत्व में पौधे रोपे गए। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं वैद्य मुकेश कुमार गुप्ता और अन्य कार्मिकों ने आयुर्वेद औषधालय परिसर में पौधरोपण किया। मालाखेड़ा क्षेत्र में नाला निर्माण नहीं होने से बारिश का पानी जमा हो जाता है। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के समीप से लेकर सुभाष चौक की ओर यही स्थिति बनी रहती है। ऐसे में स्टेट हाईवे संख्या 44 से निकलने वाले सभी राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा अतिक्रमण के कारण भी दूषित पानी की निकासी नहीं हो पाती। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत बरखेड़ा में इंदिरा रसोई घर तो तैयार है, लेकिन जिला परिषद और नगर परिषद से संचालन के आदेश का इंतजार बना हुआ है। दूसरी ओर आदेश नहीं आने के कारण जरूरतमंद तबके के लोग भोजन मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महीनों पहले ही बरखेड़ा में इंदिरा रसोई घर की मरम्मत की जा चुकी है।
सरपंच कृष्णा चौधरी ने बताया कि विकास अधिकारी के कहने पर इंदिरा रसोई घर को तैयार करवा दिया गया था। उधर संचालक अनामिका खंडेलवाल ने बताया कि संबंधित विभाग से एमओयू होने और आदेश मिलने के साथ ही इंदिरा रसोई शुरू कर दी जाएगी। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में हरियाली और सोमवती अमावस्या को महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, साथ ही बुजुर्ग महिलाओं ने भगवान शिव पार्वती की कथा भी सुनाई। व्रत रखने वाली महिलाओं ने हरियाली अमावस्या का महत्व बताया। उधर पंडित कैलाश नाथ ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं मंदिर में आ रही है। हरिद्वार गंगोत्री से कावड़ लेकर वापस लौट रहे ढकपुरी निवासी जीतू चौधरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व विधायक जयराम जाटव, समाज सेवी रिंकी वर्मा और एडवोकेट देशराज खरेरा सहित अन्य पहुंचे। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार से कावड़ लाते समय मेरठ रोड पर जीतू चौधरी को वाहन ने टक्कर मार दी थी। अलवर जयपुर हाईवे स्थित माधोगढ़ गांव में प्राचीन शिव मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहां भक्त विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर महाराज मंगल सिंह के जमाने का बना हुआ है और ऐसा शिलालेख भी यहां लगा हुआ है। श्रद्धालुओं के अनुसार महाराजा यहाँ स्थापित शिवलिंग नर्मदा नदी से लेकर आए थे। तो मंगल सिंह जी के पिताजी की स्थापना है, उनको कोई दर्शाव दिया गया था उस टाइम जब उन्होंने ये स्थापना करवाई थी। और ये शिवलिंग कहाँ से लेके आए थे, कौन लेके आए थे शिवलिंग? ये नर्मदा से लेके आए थे, नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी तो आते हैं भक्त, हैं आप पूजन भक्त तो दूर दूर से आते हैं, कोई बम्बई का, कोई कहाँ से, चारों तरफ से भक्त लोग आते हैं। क्या मानता है? मानता तो ये अपने अपने अलग अलग रखते हैं। भोलेनाथ की बढ़िया सेवा चल रही है और अच्छा पर्चा देता है। और पुरानी मूर्ति है शिवलिंग का, जो नर्मदा नदी से बहनी है, महाराज जी की बहनी है, उनको दर्शाव दिया गया। हाँ, दर्शाव दिया। क्या विशेषता मानते हैं इसकी? जो भी कुछ कोई की इच्छा होती है उसकी पूरी करता है। काल दर्श वगैरह यहाँ उतारते हैं? हाँ। नटनी का बारह में पर्यटकों ने सोमवार को घूमने का आनंद उठाया। यहां लोग रूपारेल नदी को देखने के लिए पहुंचे। बरसात के बाद मौसम खासा सुहाना हो गया है। देखा जाए तो अलवर जिले में सिर्फ यही एक जीवित नदी है जो वर्ष भर निरंतर बहती रहती है। वहीं रूपारेल नदी का पानी जयसमंद बांध में जाने से भूजल स्तर भी बढ़ने की संभावना है। बरसात आज काफी अच्छी हुई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नदी का भी स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और मतलब तमाशबीन लोगों की कितनी भीड़ है? तमाशबीन लोग यहाँ पर कम से कम अभी तो कम बता दो किस तरह की भीड़ है। तो अभी इस समय थोड़ी बूंदाबांदी चल रही है इसलिए थोड़ी कम भीड़ है। जैसे ये धड़की से रुकेगी तो यहाँ पे लोगों की ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी आ रहे हैं? हाँ, तो देखना बाकी। अभी नदी के स्तर भी थोड़ा बढ़ने वाला है। तो कितनी देर में पानी आई है? पानी शाम तक बहेगा, पूरी रात तक, सुबह तक ये इसका स्तर तो काफ़ी देर बाद नीचे घटेगा, समुद्र में जाएगा पानी। भिवाड़ी में रविवार को सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर तक बारिश होती रही, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। लेकिन दूसरी ओर शहर की सड़कों पर फैक्ट्रियों का दूषित पानी भर गया। प्रशासन के लचर रवैये और लापरवाही के कारण शहर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लोगों का सड़कों पर पैदल निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। सीवरेज चैम्बर से भी दूषित पानी तेज गति से बह रहा है। इसके अलावा बरसात का बहाना लेकर कुछ कंपनियों द्वारा केमिकल युक्त बदबूदार पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को भी धारुएड़ा सोहना तावड़ू स्टेट हाईवे 71B पर यही हालात नजर आए। भिवाड़ी के महिला थाने पर गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला पिछले साल भर से चलाई जा रही है। इन्हें समय समय पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा 2 शिक्षक भी हायर किए गए हैं। जरूरतमंद बच्चों को किताब कॉपी पेन स्वेटर और कंबल आदि भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। ओसी फाउंडेशन भिवाड़ी द्वारा यहाँ सेंट्रल पार्क में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 100 से भी अधिक बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौतम तिवारी, विकास वेलिंगकर और देवेंद्र यादव ने की। संस्था प्रधान विवेक शर्मा ने बताया कि यह संस्था जुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और भोजन के प्रबंध में जुटी हुई है। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र सहित उपहार और ट्रॉफी भेंट की गई। जिस तरीके से ओसी फाउंडेशन ट्रस्ट निरंतर कोई ना कोई इस तरीके के कृत्य करता रहता है, इस तरीके की जो योजनाएं, जैसे आज आपने देखा कि सेंट्रल पार्क भिवाड़ी के
यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन का एक कंपटीशन रखा जिसमें लगभग 120 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जिस प्रकार से आज हमने देखा जजेस के अंदर एमबीडी स्कूल के डायरेक्टर और क्वांटम स्कूल के जो डायरेक्टर सर जो यहाँ पे उपस्थित थे, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों ने जो ड्राइंग्स में कंपटीशन में जो भाग लिया वो अपने आप में एक अच्छा एक देखने का नज़रिया था, क्योंकि सभी ने जो थीम्स ली और ड्राइंग में अपने आप को जो झोंका जिस प्रकार से उन्होंने अपने ड्राइंग कंपटीशन को जो जान उसके अंदर डाली उस वो अपने आप में एक देखने लायक थी। लगभग 120 प्लस स्टूडेंट जो उन्होंने एनरोल किया, और भी बहुत से यहाँ आसपास के बच्चे थे जो बाद में भी व्हाट्सअप, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो व्हाट्सअप और ऑनलाइन मोड के अंदर रखा गया था, उसमें अभी भी हमारे पास अभी सुनने में आया कि बाद में भी बहुत से पार्टिसिपेंट कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि हम भी इस ड्राइंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन समय की बात था और शॉर्टेज मौसम थोड़ा दिक्कत थी, बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से समय का ड्यूरेशन जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बच्चों को कम मिला, जिसकी वजह से जो प्रतिभागी अभी रह गए हैं आगे भविष्य में इससे भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो ड्राइंग कंपटीशन का करेंगे ऐसा हम ओसी फाउंडेशन ट्रस्ट हमेशा। भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इसे लेकर सोमवार को भिवाड़ी में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक बंद रखे गए। साथ ही सेंट्रल मार्केट के सामने सभा भी हुई। इस दौरान भिवाड़ी व्यापार मंडल IMA खुशखेड़ा कारोली एवं भिवाड़ी के उद्यमों की संस्थाएं और बाबा मोहन राम जागृति मंडल सहित अनेक संस्थाएं शामिल हुई। भिवाड़ी व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र मंगला के अनुसार भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भिवाड़ी तो जिला बहुत पहले से बन जाना चाहिए था। जब 6 जिलों की बात चल रही थी तभी भिवाड़ी का नाम पहले नंबर पे था, लेकिन अब 19 जिले भी बन गए और भिवाड़ी का नाम नहीं है, तो ये भिवाड़ी का दुर्भाग्य है। भिवाड़ी तो जिला बन के रहेगा, हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये भिवाड़ी जिला ना बन जाए। और मैं एक बात आपको और भी बता दूँ कि सबसे कम खर्च में अगर कोई ज़िला बनने वाला था तो वो भिवाड़ी था। यहाँ तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो पहले से ही है, ADM साहब यहाँ बैठते हैं, बिजली बोर्ड के SC साहब यहाँ बैठते हैं, हाउसिंग बोर्ड का है, कोर्ट यहाँ है, एडिशनल सेशन जज यहाँ बैठते हैं। सरकार को करना क्या था, सिर्फ ADM को प्रमोट करके कलेक्टर बनाना था, बाकी तो सारे यहाँ पे सारे ऑफिस वगैरह हैं ही। बहुत थोड़े खर्चे में भिवाड़ी ज़िला बन सकता था और भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो इसकी जो है अनदेखी की गई है जो बहुत गलत है। उधर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब तक भिवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेंगे। बाबा मोहन राम जागृति मंडल के अध्यक्ष अमर भगत ने भी अपने विचार रखे। जो इस तरीके से भिवाड़ी की नेचर है, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, तो सब शांति प्रिय लोग हैं। सब लोगों ने बड़ी स्मूथली 9 बजे से 12 बजे तक बंद का आह्वान किया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मीटिंग हुई है, वो मीटिंग विसर्जन होकर के लोग टपकड़ा गए हैं, भिवाड़ी में भी घूम रहे हैं। तो भिवाड़ी के लोगों ने जो सहयोग दिया है इस बात का संदेश है कि लोग चाहते हैं कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाए। अभी मार्केट 12 बजे तक बिल्कुल मार्केट बंद है, और यही हमारे यहाँ के व्यापारियों का और बुद्धिजीवियों की सोच थी कि हम लोग वो हुड़दंग नहीं करें, और यदि प्रशासन ऐसा चाहेगा तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ के जो भी अच्छे लोग हैं वो इसमें विश्वास करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा चलता रहे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी लक्ष्मणगढ़ दौरे पर पहुंचे, यहां उनका स्वागत किया गया। इनके साथ अलवर दक्षिण संगठन प्रभारी रोशनलाल सैनी भी थे। इस दौरान मौजपुर में एक्सप्रेसवे भाजपा के पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में उनका अभिनंदन हुआ। इन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनाया गया। वरिष्ठ नेताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान कुलदीप घिया और युवा भाजपा नेता सौरभ साहू आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, BJP जिंदाबाद, BJP जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, राजस्थान के प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह जी बगड़ी जी अलवर जिले की मीटिंग लेने के लिए पधारे हैं। उनके साथ में अलवर जिले के संगठन प्रभारी रोशनलाल जी सैनी जी पधारे हैं। उनका हमारे मौजपुर की ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया था। अच्छा, अलवर उनका आज क्या दौरा था? नहीं सहेगा भारत जो नहीं सहेगा राजस्थान अपमान के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अलवर पधारे। आपने देखा होगा
कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने नहीं सहेगा राजस्थान की जिस प्रकार से एक ये महाक्रोश है, महाप्रदर्शन है, उसका शुभारंभ कल जयपुर में हुआ है। आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस महाक्रोश का शुभारंभ है। इसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और कार्यकर्ताओं से चर्चा बैठकें भी रहेगी कि आने वाले 1 अगस्त को पूरे जयपुर के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान की प्रत्येक जनता गांव ढाणी बूथ से सब लोग और आम जनता, युवा, महिला, किसान सभी लोग एकत्रित होकर सचिवालय का घेराव करेंगे। इसलिए आज अलवर में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार चरम पे है, महिला अत्याचार चरम पे है। आम जो नागरिक है राजस्थान का वो आक्रोशित है कि इस तरीके का अब नहीं चलेगा, अब राजस्थान ये नहीं सहेगा, अब आर पार की लड़ाई होगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयपुर से आगाज किया और उसी के संदर्भ में आज अलवर दक्षिण के अंदर नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन आज रखा गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज अलवर दक्षिण के अंदर प्रेस वार्ता के अंदर हमारे राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष सरवण जी बगड़ी जो प्रेस वार्ता में प्रेस से बात करेंगे और जिस तरीके से पूरे राजस्थान में 4 साल के अंदर हर वर्ग परेशान है, चाहे महिलाओं उत्पीड़न के मामला ले हो, चाहे युवाओं की बात करें। खैरतल से श्री श्याम परिवार सेवा समिति के बैनर तले श्याम प्रेमियों का जत्था रविवार को खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि इस जत्थे में करीब 50 सदस्य शामिल हैं। वे कस्बे की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम बाबा के मंदिर से जयकारा लगाते हुए रवाना हुए। दल में योगेश गर्ग, राहुल बंसल और कमल डाटा आदि मौजूद रहे। कोटपुतली स्थित शर्मन पैराडाइज मैरिज गार्डन में सोमवार को जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष के कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता मुकेश गोयल को जन्मदिन पर बधाई भी दी। साथ ही लोग गायिका मनीषा सैनी सहित गिरिराज लालवाड़ी और अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। माताओं की चिंता थी, घर घर गैस का चूल्हा भिजवाया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान की चिंता की। किसान सम्मान निधि के कारण आज किसानों का सहारा कोई व्यक्ति बना है तो मोदी जी की सरकार बनी है। आज नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी धमक है पूरे विश्व के अंदर। आज भारत का मान सम्मान, भारत का डंका यदि कुछ रहा है तो नरेंद्र मोदी के कारण कुछ रहा है। बंधु, मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, हम सब कार्यकर्ताओं ने, टोली जो आपके साथ रात दिन काम करती है, मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे अनुज, मेरे से बड़े जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कमल के फूल के लिए काम करते हैं, ये कमल के दीवाने रात दिन इस कोटपुतली की सेवा करने लगे हैं। मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड बनने पर रावणा राजपूत समाज के लोगों ने मिठाइयां बांटकर और पटाखे चलाकर खुशी जाहिर की। जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह बैरर के नेतृत्व में रावणा राजपूत समाज के लोग गायत्री मंदिर के पास कनिष्क सिक्योरिटी ऑफिस पर एकत्रित हुए। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह राठौड़, मनोज सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह, महावीर सिंह और डॉक्टर लोकेश सिंह आदि की मौजूदगी रही। मेजर दलपत सिंह जिंदाबाद, मेजर दलपत सिंह जिंदाबाद, मेजर दलपत सिंह जिंदाबाद। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन की सरपंच सरोज मीणा के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर 501 पौधे रोपे गए। हरियाली अमावस्या से पर्यावरण संरक्षण को जोड़कर ओडपुर स्कूल सहित खेल मैदान और मोक्षधाम में 51 पौधे लगाए गए। स्थानीय सरपंच ने बताया कि पौधरोपण प्रकृति का सिंगार माना जाता है। हरियाली अमावस पर यह कदम उठाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल बालवीर, ब्रजमोहन हरिया, राम पटेल, राजेंद्र प्रसाद मीणा, महेंद्र कुमार और गोविंदी आदि उपस्थित रहे। खैरतल थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि अरसोली गांव से 8 जुलाई को यह बाइक पार हुई थी। जांच के बाद रामनगर निवासी राम सिंह को पकड़ा गया है, साथ ही बाइक जब्त कर ली गई है।
नगर पालिका खैरतल में नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों के साथ बैठक की गई। इस दौरान विकास कार्यों की निविदा को गलत बताया गया। साथ ही आरोप लगे कि कुल 56 कार्यों में से कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के वार्ड में सिर्फ 14 कार्य प्रस्तावित है और इससे पक्षपात उजागर होता है। वहीं बोर्ड मीटिंग भी लगभग 3 वर्षों में सिर्फ एक बार हुई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चौधरी सहित ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता और अनेक पार्षद मौजूद रहे। ढाई साल के अंदर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर सबसे पहले यह निर्णय लिया गया था कि सभी वार्डों के अंदर समान कार्य समान रूप से वितरण होगा और बराबर बराबर भागीदारी सब पार्टनरों, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, सबको समान रूप से विकास कार्य के लिए पैसा बराबर बराबर दिया जाएगा। परंतु अब अचानक एक NID जारी हुई है और पता लगा है कि उस NID पर CEO साहब ने रात को 9:30 बजे दस्तखत किए हैं, जब तक किसी को भी पता लगा नहीं है। इसलिए ये NID निरस्त होनी चाहिए, समान रूप से समान कार्य सबको मिलना चाहिए। बराबर बराबर का पैसा मिलता है, उसी हिसाब से नगर पालिका में भी बराबर बराबर का काम मिलना चाहिए। मेरा अपना खुद का मानना है और मेरे जितने भी पार्षद कांग्रेस पार्टी के हैं, अगर ये काम निरस्त नहीं हुई NID तो सभी के सब एक तरह से यहाँ धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। नगर पालिका में हम सभी पार्षद एकत्रित हुए कांग्रेस के, जबकि बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया था कि 5 काम प्रायोरिटी के हर पार्षद के होंगे। ये प्रस्ताव शुरुआती जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 3.25 साल में एक ही मीटिंग हुई है उसी में लिए थे। जिन पार्षदों ने अपने लेटर हेड पे लिख के जो कार्य दिए थे इनमें वो कार्य भी नहीं है और ये बहुत ही गलत तरीका है EO का और चेयरमैन का। द्वेषता पूर्वक ये NIT जारी की गई है जिसमें पक्षपात किया गया है। हम कांग्रेसी पार्षदों को उन्होंने इस तरह से पीछे छोड़ दिया कि बदले की भावना से वो कार्य यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि जो साठगांठ उनकी चल रही है, जो EO थे हमारे यहाँ आशुतोष आचार्य जी, वो उनका हमें बाद में मालूम चला कि वो दिसंबर में वहाँ ट्रैप हुए थे। उस चीज़ की जब जानकारी हमें जब सब पार्षदों को हुई, उसके बाद हमने विधायक जी से भी कहा कि इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी आपने यहाँ ला के बिठा दिया जो कि इस तरह के पक्षपात कार्य करता है। यहाँ तक कि उसकी कई चीज़ें ऐसी थी जो कि हम आप मीडिया के सामने भी नहीं बता सकते, इस तरह का उसका चाल चलन था। वो आया और इस तरह से जो बैटिंग करके गया है, जो बेवजह के टेंडर जारी करके गया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो खैरतल में जो लाइट के टेंडर हुए थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। चाहे वो इस्माइलपुर रोड का मान लें, चाहे वो मंडी बाईपास का मान लें, चाहे हरसोली रोड का मान लें, चाहे सिवाना रोड का, ये बहुत ही एक ही फर्म कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार्य को एक ही फर्म कर रही है। जो सप्लाई जो हुई है यहाँ LED सप्लाई लाइटों की, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। जिन कार्यों में इनको कोई भी बाहर के ठेकेदार पैसे देते हैं उस कार्य की निविदा जारी कर दी जाती है। आम जनता के जो कार्य हैं उनको आप किसी भी तरह से आवाज़ उठा लो, इन्होंने ऐसी हठधर्मिता अपना रखी है कि आम पब्लिक के कार्य हम नहीं करेंगे। कुछ दिन पूर्व जो कैमरे लगाने का कार्य किया उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है। निम्न क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के जो कैमरे हैं यहाँ लगाए गए हैं। और अब बात टपुकड़ा की, जहाँ कस्बे में टंकी वाली गली स्थित काली माता मंदिर में बाबा शुक्रनाथ महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कर्म महाराज और संतोष माता के सानिध्य में हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद पाया। बाबा शुक्रनाथ जी की समाधि वर्षी है और इसका गुणगान है। दिन का भंडारा, रात का जागरण, सभी भाईचारा प्रेम से भोजन करवा रहे, खीर बूंदी और पूड़ी।
लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य की नई कार्यकारिणी ने रविवार को जयकृष्णा क्लब बैंक्वेट हॉल में शपथ ली। कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता के अनुसार इस दौरान मुख्य अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव डॉक्टर रूप सिंह और इंस्टॉलेशन ऑफिसर शशि गोयल रहे, जबकि मुख्य वक्ता डॉक्टर एस सी मित्तल के अलावा एमपी जैन ने भी विचार रखे। इस दौरान विश्व शांति के लिए एक मिनट का मौन भी धारण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, सचिव विनोद अग्रवाल और कोषाध्यक्ष विपिन जैन ने शपथ ली। और अब चलते चलते बात श्रावण मास की। सावन के दूसरे सोमवार पर भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अलवर के 300 साल से भी ज्यादा पुराने त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भी भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। ऐसी मान्यता है कि देव शयनी एकादशी के बाद षष्ठी के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उनकी जगह संसार की बागडोर कैलाशपति के हाथों में आ जाती है। त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने विशेष बातचीत में बताया कि कैसे सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भक्तों को अधिक मास की जानकारी देते हुए जानकारी दी कि इस महीने में क्या नहीं करने से शिव भक्ति का पूरा फल प्राप्त होता है। एटीएल के लिए महंत जितेंद्र खेड़ापति से बात की हमारी संवाददाता सांची गुप्ता ने। आज हमारे साथ हैं अलवर शहर के 300 साल से भी ज्यादा पुराने और प्राचीन त्रिपोलिया महादेव मंदिर जी के महंत जितेंद्र खेड़ापति जी। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शिव जी का ये अति प्रिय महीना माना जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को इस महीने में क्या क्या करना चाहिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। प्रथम बात तो ये है कि सावन का महीना है वो भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष क्यों बताया गया है, क्योंकि बहुत से जो भक्त हैं उनको पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि 12 महीनों में से सावन का जो ये पवित्र महीना है इसमें भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना के लिए क्या महत्व है। राजा हिमाचल के घर जब माँ पार्वती ने जो जन्म लिया था तब एक महीने के लिए भगवान शंकर धरातल पर पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल आते हैं, ऐसी मान्यता ग्रंथों में पाई गई है। उसके अनुरूप क्योंकि पृथ्वी लोकवासी भगवान शंकर की आराधना कर सकें इसलिए ये पूरा महीना भगवान शंकर की आराधना के लिए विशेष बताया गया है, जिसमें प्रथम दूध से अभिषेक जो भक्त करते हैं। तो ऐसी भी प्राचीन मान्यता है कि ये बरसात ऋतु जो होती है उसमें जो गऊएं हैं, जो दूध देने वाले जो जानवर हैं, वो क्योंकि हरा चारा खाते हैं उसमें कई विषैले पौधे भी खा जाते हैं, उसका विष का दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति पर ना पड़े ऐसी मान्यता पहले थी। ये सारा दूध एकत्रित कर और शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है और भगवान शंकर को दूध अभिषेक से गृहस्थी में लक्ष्मी की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी दूध अभिषेक बताया गया है। प्रयाग मंदिर श्री त्रिपोलिया महादेव में यह प्राचीन शिवलिंग जो भगवान का विग्रह स्थापित है उसमें भक्तों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त जो यहाँ अपनी मन्नत लेकर आता है तो कोई भक्त यहाँ से खाली नहीं जाता। मंदिर स्थापना के समय से यहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जो कि 300 वर्षों से ऊपर यह मंदिर स्थापित हुए हो गया है और तभी से ये स्थापित के समय से ही अखंड ज्योत शिव शक्ति के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। मंदिर प्रन्यास द्वारा पूरे वर्ष भर जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के पर्व हैं, व्रत हैं, त्यौहार हैं, उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्राचीन प्रतिमाओं की प्राण बने रहें, उनमें तेज बना रहे, उसके अनुरूप शास्त्र अनुसार के अनुरूप यहाँ अभिषेक के कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। और आज त्रिपोलिया महादेव में दूसरा सोमवार जो कि उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जगह के अभाव के कारण यहाँ भक्तों को लंबी कतार में प्रातः 2 बजे से ही जलाभिषेक के लिए भक्त लगे हुए हैं और निरंतर 3 बजे तक इसी प्रकार आम जन द्वारा भगवान का पूजा अभिषेक किया जाता रहेगा। उसके पश्चात साफ सफाई व भगवान की कल्याणमय झांकी सजाई जाती है, जिसके लिए अलवर शहर अपितु आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं दर्शन लाभ के लिए यहाँ त्रिपोलिया में पधारते हैं और लंबी लाइन में व्यवस्था के साथ कि कोई आने वाले जो यात्री हैं उनको कोई अव्यवस्था नहीं हो
उसमें मंदिर के सेवादार जिला प्रशासन पूर्ण सहयोग करता आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार सहयोग बना रहे। आने वाले भक्तों की मयाद है जो इसी प्रकार भगवान त्रिपोलेश्वरनाथ पूरी करते रहें। रात्रि 11:40 तक दर्शन झांकी होती है, उसके पश्चात दूधाभिषेक का कार्यक्रम होता है, रात्रि देर रात्रि महाआरती का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को किया जाता है और जो शास्त्रिक अभिषेक हैं वो प्रातः 4 बजे से और 5 बजे के दौरान आरती के पश्चात किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की कामनाओं को पूर्ण करते रहें, साथ के साथ ATL परिवार की दिनों दिन उन्नति करें, क्योंकि ऐसा जब दौर हमारे पूरे विश्व में था कि जब केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जो त्रिपोलिया महादेव के ऐसे भक्त हैं कि जो बिना आरती के दर्शन के भोजन जल ग्रहण नहीं करते हैं, उन्होंने ATL चैनल के माध्यम से भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त किए और हिंदू सनातन धर्म की परिपाटी को बनाए रखने में ATL चैनल का ATL परिवार का जो सहयोग रहा है, उसके लिए हम बाबा त्रिपोलेश्वरनाथ से यही कामना करते हैं कि आप दिनों दिन उन्नति करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। पंडित जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, श्रावण मास के पहले सोमवार से लगातार कांवड़ चढ़ाई जा रही है, कांवड़िए जो है दूर दूर से पदयात्रा करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगी आप हमें दर्शकों को कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है और कांवड़ कब से ये शुरू हुई उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, कांवड़ का की मान्यता है वो शास्त्र अनुसार तो इस प्रकार दी गई है कि रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। उसके पश्चात रावण का जो अधर्म है वो इस प्रकार बढ़ने लगा तो भगवान त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर के पास सभी देवताएं हैं जो वो गए और उन्होंने भगवान शंकर से विनती करी कि भगवान, अगर रावण का अत्याचार इसी प्रकार बढ़ता रहा तो धरातल पे से पृथ्वी लोक से धर्म का जो नाम है वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया कि रावण ने 10 शीश मुझको अर्पण कर मेरे 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, इसलिए मैं अब उसका वध या उसका विनाश करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए धर्म की जय रहे, धर्म का झंडा ऊंचा रहे, मैं 11वां अवतार हनुमान जी के रूप में लूँगा और फिर रावण को भगवान राम के साथ मिलकर उसका विनाश करूँगा। और भगवान विष्णु ने तभी भगवान शंकर के सामने ये शपथ ली थी कि भगवान राम के रूप में महाराज दशरथ के माँ कौशल्या के गर्भ से मैं जन्म लूँगा और रावण का विनाश करूँगा। तो सबसे पहले हनुमान जी की माँ अंजना माता ने कांवड़ भगवान शंकर को भर के चढ़ाई थी, उसके पश्चात ये कांवड़ चढ़ना प्रारंभ हुई है और कांवड़ लाने वाले भक्त आज भी अपनी मन्नतें जो हैं वो मांगकर गंगा से केदारनाथ से अलग अलग तीर्थ स्थलों पे से अपनी मन्नतों के हिसाब से अपनी आस्था के हिसाब से सामर्थ्य के हिसाब से वहाँ से जल भरते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। पंडित जी, अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन जो है वो 2 महीने का है, 8 सोमवार का है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिव भक्तों को इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें अपने पूजा का पूरा फल मिले। देखिए, सबसे पहले करने नहीं करने की जो बात है, अधिक मास के विषय में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान शंकर से माँ पार्वती ये प्रश्न करती है कि हे भोलेनाथ, जगत चराचर जगत आपका पूजा करता है, आपका ध्यान करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका ध्यान करते हैं, यानी बैकुंठ में स्वर्ग में और पृथ्वी लोक में जब आप पूजनीय हैं तो आप समाधि में बैठकर किसकी पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि जब समुद्र मंथन में जो हलाहल जो विष निकला था उसको भगवान शंकर ने कंठ में धारण किया, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे इष्ट का निवास है, जिसकी मैं साधना करता हूँ वो मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। तो सबसे पहले तो ये अधिक मास
का क्या महत्व है वो मैं आपको समझा दूं। अधिक मास में भगवान विष्णु की, भगवान राम की, जो कि देवादि देव महादेव के इष्ट देव हैं भगवान राम, तो भगवान राम का सुमरण करें, भगवान का भजन करें। और जहाँ तक विष से संबंधित बातें हैं, अशब्द किसी को ना बोलें और अपने मन से, कर्म से और वाणी से अपने विचारों में शुद्धि लाने की कोशिश करें। सर्वप्रथम तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें। दूसरा, जो परमात्मा ने हमको जिम्मेदारी दी है, जिस गृहस्थी की, जिस परिवार की, जिन बच्चों की, उनकी जिम्मेदारी को पूरी करने के बाद अगर हमारे पास कुछ पर्याप्त धन बचता है तो उसमें से आधा धन रोक कर उस आधे में से हम दान पुण्य करें। तीसरा जो ये है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब पुरानी परिपाटी चली आई है कि अधिक मास में, अधिक मास का जो ये महत्व है कि हिरण्यकश्यप ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि मुझे नर मार सके ना कोई नारायण मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके ना कोई इंसान मार सके, इसलिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। और उसी के प्रावधान को परमात्मा की तरफ से पूर्ण करने के लिए ये 12 मास में से जो एक एक तिथि टूटती है उसका ये अधिक मास बनता है। और नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप का, वो ये पूरा महीना उसी बात के लिए बनाया गया है। तो इसमें किया हुआ दान पुण्य भजन और पूजा पाठ वो अधिक फलदायक है। और सबसे फलदायक ये है, जो व्यक्तिगत मेरा मानना है, कि हम इस धरातल पर रहकर अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने धन को शुद्ध करने की कोशिश करें। अघरता से झूठ बोलकर, किसी से कपट कर अगर किसी चीज़ की प्राप्ति हम करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे ATL चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जितेंद्र खेड़ापति जी, जिन्होंने बताया कि अगर शिव की सच्ची भक्ति अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अधिक मास होने की वजह से सावन 2 महीने का है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज। और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के MLA को सेक्स टॉर्शन में फंसाकर 80 लाखों की रकम, नगर पुलिस के सहयोग से 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। वहीं नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में हुई कठुमर के युवक की गिरफ्तारी। बहरोड के मिस्त्री हत्याकांड में 3 इनामी बदमाशों को दबोचा, भिवाड़ी स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। सोमवती अमावस्या और श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, वहीं महिलाओं ने जल चढ़ाकर रखा व्रत। वहीं मंगलवार को महाशिव पुराण कथा का होगा समापन। और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश सरकार को घेरेगी भाजपा, 1 अगस्त तक होंगे अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही, दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।